बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, चैप्टर 12 ऑप्टिक्स का 12.7 टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरह होती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अगर प्रिज्म को देख लें, प्रिज्म एक्चुअली क्या होती है। प्रिज्म कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 उसकी ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं। दिस इज़ समथिंग, अ ट्रांसपेरेंट बॉडी हैविंग, प्रिज्म की डेफिनेशन है कि प्रिज्म एक्चुअली क्या होता है। कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जैसे किसी ऑप्टिकल ग्लास से मिलके बना हुआ होता है, और हैविंग 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसिस इसकी होती है। अभी हम यहाँ पे फिगर से भी देख लेते हैं, 3 इसमें रेक्टेंगुलर सर्फेसिस होती हैं और 2 इसमें ट्राइंगुलर सर्फेस होती हैं जो कि इंक्लाइंड होती हैं, वहीं से जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिगर देखते हैं उसकी। अगर आप इस फिगर में देखें तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म एक्चुअली क्या होता है, 3 डायमेंशनल जो है वो उसकी शेप होती है। ठीक है, और उस शेप में क्या है, उस शेप में दैट हैज़ आइडेंटिकल पैरेलल एंड्स एंड ऑल फ्लैट सर्फेसिस। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन का क्या मतलब है। फ्लैट सर्फेसिस, अब प्रिज्म में देखें, प्रिज्म की अगर हम इस शेप को देखें, ठीक है, एक्चुअली प्रिज्म तो है वो हमें जिस तरह नज़र आ रहा होता है वो हम 3 डायमेंशनल यहाँ पे हमने फिगर बनाने की कोशिश की है। अगर आप इस फिगर में देखें तो आपको एक ये, इसको हम शेड कर लेते हैं, आप ये आपको एक ट्राइंगुलर शेप नज़र आ रही है। ठीक है, दिस इज़ ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल्स इसमें होगी, 2 ट्राइंगुलर सर्फेसिस। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है कि 3 डायमेंशनल शेप होती है, दैट हैज़ आइडेंटिकल पैरेलल का मतलब है कि 2 ट्राइंगल होती हैं जो कि आइडेंटिकल होती हैं, और पैरेलल का मतलब है बिल्कुल आमने सामने होती हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब उनके एंड्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं। एंड ऑल फ्लैट सर्फेस, ऑल फ्लैट सर्फेसिस का क्या मतलब, अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो इस फिगर में एक आपको ये जो है एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है। ठीक है, इसको हम ब्लू से देख लेते हैं या ब्लैक से कर लेते हैं। ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है, दिस इज़, ये एक रेक्टेंगुलर सर्फिस है। ठीक है, एक ये रेक्टेंगुलर सर्फिस है, एक आपको जो है वो बेसमेंट में नज़र आ रही होगी, और एक जो है वो ये वाली रेक्टेंगुलर सर्फिस है। तो 3 जो है वो इसमें क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर सर्फिस होती हैं और 2 उसकी ट्राइंगुलर सर्फिस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप होती है, और प्रिज्म जो है वो किसी भी ऑप्टिकल ग्लास से मिलकर बना होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और इसकी जो 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड होती है, वहाँ से रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म जो है वो ट्राइंगुलर प्रिज्म में किस तरह होती है। हमने यहाँ पे जो प्रिज्म लेना है रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म के ज़रिए हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो डिस्कस करनी है। अगर आप प्रिज्म को देखें तो प्रिज्म इस शेप का होता है, एक ये इसकी ट्रायंगुलर सरफेस होती है, और एक बिल्कुल बेसमेंट में जो कि 2 ट्रायंगुलर सरफेस आइडेंटिकल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और 3 इसमें रेक्टेंगल होती है। ठीक है, एक ये है 1, 2 और एक इस साइड पे होगी 3, तो 3 इसकी ट्रायंगुलर जो है वो फेसेस होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन देख लेते हैं इसकी किस तरह होगी। ये हमने ग्लास प्रिज्म ले लिया, इसकी साइड्स को ये जो 2 सरफेस यहाँ पे, अब 3 हमने इसकी साइड्स को आप कह दें ए बी सी कह दें, सर्फेसिस को ए बी एंड सी कह दें। ठीक है, इंसिडेंट रे जो है वो इस तरह स्ट्राइक कर रही है, ए बी साइड से जो है वो एक इंसिडेंट रे आ रही है और एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे है बी एफ ई जो कि नॉर्मल के साथ, नॉर्मल जो है हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज़ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ई एन जो है वो एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस होंगे। ठीक है, अब जो इस सर्फेस पे स्ट्राइक करेगी, तो हमने पढ़ा है कि अब देखें रे ऑफ लाइट जो है वो एयर है, और ग्लास जो है प्रिज्म इज़ अ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो है रेयर से डेंसर की तरफ वो मूव कर रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ, तो जो रे ऑफ लाइट है वो इस पाथ को फॉलो करेगी और नॉर्मल की तरफ बेंड करके इस तरह मूव कर जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ देखना है कि यहाँ से जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे कौन सी रे होगी जो कि ग्लास की सरफेस को लीव कर रही है और एयर में जो है अगर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज़ नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया,
अब ये वाली रे ऑफ लाइट जो है वो इस नॉर्मल के साथ, अब वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से अवे मूव करेगी। तो ये नॉर्मल है, ये इस तरह नहीं जाएगी, बल्कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरह ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। दिस इज़ इमरजेंट रे। इमरजेंट रे को हम किस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है एफ ई और जो इमर्जेंट रे है एफ एस, ये पैरेलल नहीं है। किस तरह पैरेलल नहीं है, ये कुछ एंगल जो है वो यहाँ पे कुछ एंगल से डेविएट करिए। अगर आप इंसिडेंट एंगल को इस तरह रिट्रेस करें, ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज़ रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसी पॉइंट पे जो वो मीट कर रही है, जिस पॉइंट पे मीट कर रही होती है, उस एंगल को हम लोग कहते होते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ दैट प्रिज्म, ठीक है। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि जो इमर्जेंट रे है एफ एस, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं है, बल्कि क्या कर रही है, जो इंसिडेंट रे है पी ई, वो डेविएट हो रही है। और कितने एंगल से डेविएट हो रही है, जितने एंगल से डेविएट हो रही है, उसे हम लोग कहते होते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ दैट प्रिज्म, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख ली कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन जो है उसका फिनोमेना किस तरह होता है। एंगल ऑफ डेविएशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल है, द एंगल थ्रू विच द इमर्जेंट रे हैज़ बीन डेविएटेड, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इमर्जेंट रे जितने एंगल से डेविएट हुई है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कौन से किसके फैक्टर्स। एंगल ऑफ डेविएशन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो है एंगल ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी डेविएशन होगी। उसके बाद दूसरा जो है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जो ग्लास आप लोग ले रहे होंगे उसकी 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 ऑप्टिकल डेंसिटी और एयर की जो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो कितनी डिफरेंट है। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा तो जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है वो, उस जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है वो, तो जितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ जो डिक्रीज़ करेगी, जितनी ज़्यादा स्पीड ग्रेटर होगी, उतना ही जो लाइट की बेंडिंग है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट से है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, जो ग्लास के अंदर से आ रही थी हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, वो जितनी ही ज़्यादा पैरेलल होगी, जो हम लोगों ने बेसमेंट ली हुई थी बेस बी सी के, जितनी ज़्यादा पैरेलल होगी प्रिज्म के, उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा।